तो आज मैं बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में आयरन गोलम फार्म। ये पॉकेट एडिशन में चलता है, बिल्कुल वर्किंग है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और बिल्कुल 5 मिनट्स में आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको 4 ब्लॉक ऊपर को खींचने हैं। आप कोई सा भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्मूथ स्टोन यूज़ कर रहा हूँ। एक साइड आपको 21 ब्लॉक ले जाना है और एक दूसरी साइड उसके 21 ब्लॉक करने हैं। फिर आपको 21x21 वाले ब्लॉक को पूरा कवर कर देना है। फिर हमको 2 हाइट की 2 वॉल खड़ी करनी है पूरी चारों तरफ, जिससे आयरन कॉलम साइड से निकल ना पाए। अब आपको 1 ब्लॉक रख के 5-5 ब्लॉक को ऐसे को खींचना है, फिर यहाँ को भी खींचना है और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी आपको करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे चारों तरफ ऐसे करना है, यहाँ पे पानी डाल देना है। फिर आपको चारों कोने में पानी एक एक बकेट डाल देनी है। आपको बकेट डालने के बाद यहाँ पे भी आना है और यहाँ पे आपको पानी डालना है हर कोने में, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक 9x9 का एक बक्सा बन जाएगा और आपको उसे तोड़ देना है। इसको तोड़ने के बाद आपको यहाँ पे एक कलेक्टर चैम्बर बना देना, बस वॉल डाल देनी है आपको यहाँ पे। और चेस्ट डालने के बाद आपको इसमें हॉपर लगा देने हैं और हॉपर इससे कनेक्ट रहने चाहिए, वरना चेस्ट में आयरन नहीं आएगा। अब ये होने के बाद आपको यहाँ पे ग्लास से पूरा कवर कर देना है। यहाँ पे स्टेनड ग्लास ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ग्लास ले सकते हैं। ये चीज़ कवर करने के बाद आपको यहाँ पे साइन बोर्ड लगाना है, जिससे लावा नीचे ना आए। करने के बाद आपको नीचे कैंप फायर लगा देना है, जिससे आयरन गोलम जल्दी मरता है। यहाँ पे आपको लावा डाल देना है। आपको 13x3 का ऐसा एक ये बना देना है, जिससे हम यहाँ पे विलेजर को रखेंगे। ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे पूरा ढक देना है, जिससे विलेजर बाहर ना जा पाए। ये ढकने के बाद आपको विलेजर को कुछ ऐसे ले जाना है। अब आपको यहाँ पे स्लैब से ढक देना, जिससे आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन ना हो। आपको यहाँ पे 8x5 का ऐसा ब्लॉक बनाना है, उसके ऊपर आपको 20 बेड लगाने और उसके नीचे के सारे ब्लॉक को तोड़ देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे इनकी जॉब्स लगानी है, 20 जॉब्स लगेगी आप यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं। अगर ये वाली वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करूँ करना।